सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर्स के मैसेजेस आए, फोन भी आए, ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ हम कैसे जुड़ें। तो आप सेबी शेयर एकेडमी को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप केवल मेंबरशिप ले लीजिए, आपने मेंबरशिप ले लिया, आप हमारे साथ ज्वाइन हो गए। तो इसी पॉइंट से दोस्तों, मैंने लाइफ मेंबरशिप भी अब 1 जून से 30 जून तक जो कोई भी लाइफ मेंबरशिप लेगा उसे एग्जैक्टली 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये बात को नोट कर लीजिए। और मैं आज इसलिए सूचित कर रहा हूँ दोस्तों कि आप उसका प्लान कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं लाइफ मेंबरशिप लेने के लिए। और वैसे तो रेगुलर मेंबरशिप हमारा चल ही रहा है, 1 ईयर का 6 मंथ का 3 मंथ्स का। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, जब कभी भी आपकी बात हो, आपने मानसिकता बना लिया चलिए सेबी शेयर एकेडमी ज्वाइन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ज्वाइन करिए, आप मेंबरशिप लीजिए, बस यही कहूँगा दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज आपका ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूँ खास रूप से इस कंपनी में दोस्तों, डेविज लैब। हाँ दोस्तों, मैंने पिछला भी एक, आपको याद होगा, मैंने एक और लॉन्ग टर्म नज़रिए से एक और कंपनी का नाम दिया था और उसका भी एनालिसिस किया था, अंबुजा सीमेंट का। आप देखिए दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था अंबुजा सीमेंट का, आज की तारीख में वो 10% अप्रिशिएट हो चुका है। जिस भाव पे मैंने दिया था, वो वीडियो दोबारा चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। जो सब्सक्राइबर हैं वो तो है ही हैं और वो सभी जानते हैं। उसी तरह से दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि डिवीज लैब एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसकी खूबियाँ क्या है, मैं क्यों ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए पहले आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। डिवीज लैब, ये मेरा पार्ट वन है दोस्तों। एस्टेब्लिश ऑन 12 अक्टूबर 1990 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों, डिवीज लैब का। और करंट मार्केट प्राइस 4079.90 एज ऑन 21 मई 2021। आज का दिन भी 21 तारीख है और साल भी 2021 का चल ही रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों, 1,08,308.53 करोड़। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया फार्मा सेक्टर में। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट का इंडिया का वन ऑफ द कंपनी है जो, जिसे API इंडियन, जस्ट एग्जैक्टली पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां इंग्रेडिएंट्स या ये सब बातें हैं, ये कई दवाइयां, मेडिसिन और बहुत सारे गोली जिसे हम टेबलेट्स कहेंगे, ये सभी के सभी इनका क्षेत्र काफ़ी पूर्ण रूप से छाया हुआ है पूरे देश में। और इनका खास रूप से दोस्तों, और भी बातें हैं मैं आगे बताऊंगा, पहले बेसिक चीज़ें आपका जानकारी, आपकी जानकारी में ले लूँ। इक्विटी कैपिटल देखिए दोस्तों, 53 करोड़, छोटा कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसे हम जनरली कहेंगे, फेस वैल्यू 2 रुपया है, EPS 70.01, बुक वैल्यू 270.61। और इस कंपनी में दोस्तों बोनस इशू 2 टाइम्स, 1:1, 1:1, इसने 2 बार ये पूर्ण रूप से बोनस इशू कर चुका है जस्ट इन पास्ट। ROC देखिए 25.2% है, ROE 19.2% है। तो हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं निफ्टी के एरिया में पूर्ण रूप से सम्मिलित है। और जैसे मैंने कहा, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और धीरे धीरे इसकी प्रगति आप देखिए दोस्तों, अगर आप इसका पूरे 1 महीने के पीछे अगर हम जाते हैं, पिछला 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो ये 3,300 रुपये से आज ये 4,079, जबकि ये 4,100 प्लस जा चुका है। अब यहाँ ये कंसोलिडेट हो रहा है दोस्तों, और कंसोलिडेशन फेज से एक अगला इसमें मैं जोरदार प्रगति देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, और मेरी यही सलाह है आपसे कि ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए लॉन्ग टर्म नज़रिए से।
अगर आप 5 साल 10 साल का नजरिया रखते हैं तो ये शेयर्स बखूबी और लाजवाब रूप में होगा। ये मेरी प्रेजेंट टेंस की बात है और भविष्यवाणी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर ही रहा हूँ दोस्तों कि आप इस शेयर प्राइस को जो आज आप मेरे इस बोर्ड पर 4079 देख रहे हैं, जब कभी भी इस शेयर्स में 20% और लगभग उसके आसपास एप्रिसिएशन जब होगा तब देखिए दोस्तों। और उसके पहले भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा ये बताने के लिए कि देखिए मैंने उस दिन आपको ये बात बताया था जो ये शेयर्स आपको ऐड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस मैं मानता हूँ दोस्तों कि आपने इस बात को सरल रूप में समझ लिया होगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से कह रहा हूँ दोस्तों, आप ये शेयर्स खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए लॉन्ग टर्म नज़रिए से, प्योरली लॉन्ग टर्म नज़रिए से। बस यही कहना था दोस्तों। कई बार शेयर्स महंगे हमें दिखते हैं दोस्तों, महंगा 4,000-5,000 का जब शेयर्स महंगा तो बिल्कुल होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहीं ना कहीं एक बात कहा है दोस्तों, और आजकल तो मैं क्या कम्युनिटी में, फेसबुक में और बहुत सही कई जगहों पर एक लिखता रहता हूँ अपना प्रतिदिन का एक वाक्य, इवन मेरे स्टेटस पर भी आप जाएंगे तो आपको प्रतिदिन एक वाक्य जरूर दिखेगा नया, जो मेरे मन में विचार और भावना आती है वही लिख देता हूँ दोस्तों। और ये मैं लिख चुका हूँ जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये भी एक वाक्य है जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ दोस्तों, आपका मनोविष्टि जो है, आपका सोच जो है, निवेश सोच ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड ऑन है तो ये प्रगति और सफलता का सूचक है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका लगातार जब ऑन रहेगा तब भले वो अमाउंट कोई भी हो, मैंने ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका अमाउंट कितना है, आपका अमाउंट 1,000 भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट का और 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी और 10 करोड़ भी, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपका इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड होना, और जिसका इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड पॉजिटिव ऑन रहता है दोस्तों वही मार्केट में सफल होते हैं और प्रगतिशील रहते हैं। तो ये वाक्य आप सभी के लिए है कि भले मैं 500 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में लेकिन इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड मेरा ऑन है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा वाक्य यही बात को कह रहा है और मैंने सरल शब्दों में आपको बता दिया। उसी के साथ साथ दोस्तों जानकारी के लिए एक और बात बता रहा हूँ, मैं एक बुक लिख रहा हूँ दोस्तों और लिखना मैंने शुरू कर दिया है। बुक का नाम होगा दोस्तों 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ दोस्तों, ये बुक अब मैंने लिखना शुरू कर दिया है बखूबी। जिस दिन ये मेरा कार्य पूरा होगा दोस्तों सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा, बस जब होगा तब की बात है। बस जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया हूँ कि ये बुक लिखना मैंने शुरू कर दिया है, बस यही कहना था दोस्तों। बाकी हमारी सारी सर्विसेज जो चल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी जो प्राप्त करना है व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो के अंत में भी मेरे वाक्य लिखे रहते हैं हमारे सर्विसेज के बारे में, वो भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उस हिसाब से आप उसका पॉइंट ऑफ पॉइंट से ये जरूर पूछिए कि ये सर्विस क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से सारी जानकारी देंगे। चलिए फिर मिलते हैं।